हरे कृष्णा अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समाकृत्वा लभलभौ जया जयौ तथो युद्धयायुज्यस्व नैवं पापं अवप्स्यसि। इसका अर्थ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं लगेगा। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 41 श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूतप्त नरनम पितृणाम न किंकरो नयम नीच राजन सर्वात्मानयः शरणं चरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तुम्। अर्थ, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। भगवान के हर एक वाक्य पर और भगवान के भक्त के उन कहे वाक्यों के तात्पर्य पर बार बार हरि बोल बोलने का मन कर रहा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो पूर्णता से भगवान को सरेंडर करे, भगवान का कहना माने। रहस्यमय वे से यहाँ पे जो शीला प्रभुपाद ने बताया है, तात्पर्य में लास्ट लाइन में अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है भगवान ने श्लोक के द्वारा, कि सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान का बताया हुआ कोई पाप नहीं लगता। अब इसी हम चीज़ को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जैसे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने हमको बताया है। अगर हम गलत सलत कार्य करते हैं और बोलेंगे कि भगवद गीता में भगवान ने तो बोला है युद्ध के लिए युद्ध करो, नहीं, ऐसा गलत हम इससे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सत्यता की लड़ाई चल रही थी, जो कि आपको पहले भी बताया गया था। तो और खुद स्वयं भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये गलत नहीं है और तुम्हें ये सुख दुख, हानि लाभ, पराजय विजय जो भी है साइड में रख के तुमको युद्ध करना है, इसलिए करना है, बस तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो हमें आँख बंद करके वो कार्य करना है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं, जो सुख दुख का नहीं सोचता, हानि लाभ नहीं सोचता, सिर्फ महत्व देता है कृष्ण की संतुष्टि पर,
उसी को कृष्ण भावनामृत बोलता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं मेरे संतुष्टि के लिए युद्ध करो, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद थर्ड लाइन में तात्पर्य के यही बता रहे हैं कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए तो उसका भौतिक कार्य में बंधन नहीं लगता। ये सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया है भगवद गीता में। आगे भी भगवान इसको विस्तार में हमें बताएंगे कि ये कैसे होता है। जो कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है वो जीव उस कार्य से भौतिक बंधन में नहीं फंसता। जबकि हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं और उसमें कृष्णा को सेंटर नहीं रखते, कृष्णा को निमित्त नहीं बनाते, वो सब चीज़ों से, उन सब कार्यों से हम बंध जाते हैं। और बंधना मतलब उस उन कार्यों का रिएक्शंस हमको भुगतना पड़ेगा, उसका जो परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद तात्पर्य में सुंदरता से, एकदम सटीकता से बता रहे हैं कि जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है उसको ये अच्छे बुरे लाभ हानि विजय पराजय सब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फल प्राप्ति के लिए करता है कुछ भी। मगर कृष्ण भावनामृत में जो जीव समर्पित भाव से भगवान के लिए ही कार्य करता है उसको किसी का कृतज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऋणी होने की ज़रूरत है। वो किसी का ऋणी नहीं रहता। उसके संदर्भ में श्रीला प्रभुपाद ने भागवतम का 11वां स्कंध का श्लोक भी हमें बताया है। त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करने हैं, ये उन्होंने बताया है कि हम उस जब ये करेंगे ऐसे तो चाहे वो कोई देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, अथवा परिजन हो, मानव जाति हो, किसी या पितृ भी हो, सुनिए ध्यान से, पितृ भी हो। ये लोग कभी कभी आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं सब हमको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए है। जो कभी कभी, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती या किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मगर ये समझना बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों कि अगर हम पूर्णता से समर्पित नहीं हुए तो हमको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। एक छोटे से गुलाब जामुन के इच्छा से भी हमको वो यहाँ पे वापस शरीर धारण करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। तो पूर्ण समर्पित, टोटल सरेंडर टू कृष्णा, ये है, ये जरूरी है। यहाँ पे गीता महात्म्य, जो पद्म पुराण में गीता महात्म्य मतलब भगवद गीता के महात्म्य को बताया है, उसमें 7वें श्लोक में दोस्तों इस श्लोक को बराबर सूट करता है। और इसी के इसमें गीता के ही इसमें गुणगान के लिए वो गीता महात्म्य व्यास मुनि ने रची थी। तो क्या है वो श्लोक, 7वां श्लोक, वो है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। सिर्फ एक शास्त्र रहे, सिर्फ एक शास्त्र रहे पूरे संसार में, वो कौन सा, भगवद गीता। सिर्फ एक ही भगवान है इस संसार में, वो कौन, श्री कृष्ण। और सिर्फ एक ही मंत्र रहे इस संसार में, वो कौन सा है, एक ही याचना, एक ही प्रेयर, वो कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सिर्फ एक ही कार्य रहे, सिर्फ एक ही सेवा रहे, वो है श्री कृष्ण भगवान की सेवा। तो इस पद्म पुराण में, गीता महात्म्य में, 7वें श्लोक में आपको ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है, हम सबको ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के ही शरण ग्रहण करने हैं। अगर आप अभी भी किसी देवता के तरफ पूजा करते हो, अगर अभी भी आप किसी चीज़ को पकड़े बैठे हो,
तो वो आपको मदद नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए। इसमें पूर्ण समर्पित लगता है। जब अर्जुन पूर्णता से समर्पित भाव से भगवान को सरेंडर हुए, तब उन्हें असलियत पता चली। मगर हर एक चीज में, हर एक जगह पे भगवान बार बार ये चीज़ दोहरा रहे हैं, क्योंकि जीव की, कलयुग की, स्पेशली कलयुग की जीव की भूलने की टेंडेंसी है। उसकी यही टेंडेंसी के वजह से वो बार बार अच्छी चीज़ भूलता है और बुरे चीज़ में लग पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ भगवान बार बार बताते हैं भगवद गीता में, अर्जुन के द्वारा हमें बताते हैं। तो हमें समझने की पूर्ण आवश्यकता है कि कभी कभी हम भक्त होने के बावजूद भी, हो जाने के बावजूद भी, कभी कभी कुछ चीज़ें पकड़े बैठे रहते हैं। ये पूर्ण शरणागति नहीं है दोस्तों, खुद भगवान कहते हैं और बार बार हमें बताया भी जाता है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जीवन लग जाता है, बहुत समय वेस्ट हो जाता है कृष्ण तक पहुंचने के लिए। ये एक जीवन नहीं जो हम भक्त बन के बैठे हैं, ऐसे अनेकों जीवन करके आए हैं। 10%, 20%, 30%, 50%, कम से कम अभी तो 100% दे सकते हैं हम, जब हमको पूर्णता से पता चल गया है कि कृष्ण भगवान कौन है और हम बिल्कुल राइट प्रोसेस में हैं, राइट सिस्टम में हैं। हम लोग जो गौड़िया वैष्णव हैं, खुद चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आ चुके हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द जेन्यून प्रोसेस। तो इसमें किंचित मात्र भी हमको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पे, देवी देवता हो, इंसान हो, पितृ लोगों को हो या परिजन को, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जड़ को पानी डालोगे तो खुद ब खुद पौधा अच्छे से फुलित होगा। आप श्री कृष्ण भगवान को खुश करोगे, आपका यही जीवन सार्थक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आपको किसी और का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही डरने की जरूरत है, क्योंकि एक बार आपने कृष्ण को अपना मान लिया, अपना कह दिया, तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। इनफैक्ट देवी देवता आपको मदद करेंगे। वो जब उनको पता चलता कि वैष्णव है, इसने सिर पे कंठी, सिर पे तिलक धारण किया है, गले में कंठी पहना है, जप माला इसने ली है अपने हाथ में हरिनाम जपने के लिए, तो ये तो भगवान का सेवक हुआ। और भगवान का सेवक कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान ऐसे वैसे किसी को अपना सेवक नहीं बनाते। उच्चतर जो जीव है, उच्च कोटि के, उसी को अपना सेवक बनाते हैं। तो जो चार वर्णाश्रम आपको बार बार बताया गया है ना, वैष्णव इस चार वर्णाश्रम में नहीं आते, किधर भी नहीं आते। इनका पोजीशन इससे परे है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें इस श्लोक से भगवान यही बता रहे हैं कि मेरी बात सुनो और ये कार्य करो, इसमें तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जब भगवान इतने विश्वास से ठोक के हमको बता रहे हैं, तो हमें विश्वास पूर्णता से उस परब्रह्म पे करना चाहिए और तुरंत इसका लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।